Good morning students. In our previous classes, we discussed about the various types of data types we used in Python, such as tuple, list, string, dictionary, etc. Today we discuss about sorting technique. Sorting is a process of arranging elements either in ascending order or in descending order. We have studied different types of built-in functions for sorting elements in ascending order or in descending order, such as sort in list and sorted in tuple. Today we discuss about the sorting technique. One of the sorting technique is bubble sort. Bubble sort is the simplest sorting technique. In this we traverse the whole list by just comparing its adjacent elements, sort them and swap them until the whole list is sorted. क्या करते हैं हम बबल सॉर्ट में, जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं हम उनको कंपेयर करते हैं, सॉर्ट करते हैं एंड टिल कब तक सॉर्ट करते हैं, जब तक कि हमारी जो लिस्ट है वो लिस्ट या जो भी सीक्वेंस आपने यूज़ किया है द लिस्ट और अ टपल, वो हमारा सॉर्ट नहीं हो जाता है. तो सॉर्टिंग जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप है हमारा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टार्टिंग के टू एलिमेंट्स हैं टपल के, उनको हम कंपेयर करेंगे. इफ़ एंड ओनली इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट, इफ़ सो तो हम उनको स्वैप कर देंगे. दिस इंश्योर that the greater of the first two element is in the second position and इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारा एक एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाता है. एंड आफ्टर स्टेप वन मीन्स एक स्टेप वन के बाद हमारा एक एलिमेंट जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सॉर्ट हो जाता है एंड इट रीच टू इट्स लास्ट पोजिशन. एंड ये प्रोसेस हमारी तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारी पूरी एरे या हमारी पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती है. सो प्रोसेस जो है हमारी, सपोज़ वी हैव अ लिस्ट, हमारे पास एक लिस्ट है एंड द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर 5, 1, 4, 2, 8 एंड वी वांट टू सॉर्ट दिस एलिमेंट्स इनटू एन असेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग अ बबल सॉर्ट. तो बबल सॉर्ट में हम क्या करते थे, एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते. तो फर्स्ट पास में हमारा क्या होगा, हम फर्स्ट एलिमेंट है 5 और 1 को कंपेयर करेंगे. 5 इज़ ग्रेटर देन 1, स्वैप हो जाएगा. अब 5 की पोजीशन पे 1 चला गया और 1 की पोजीशन पे 5 आ गया. देन इन नेक्स्ट वी कंपेयर 5 एंड 4. नाउ अगेन 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो स्वैप हो जाएंगे दोनों एलिमेंट्स. अब हम थर्ड उसमें कंपेयर करेंगे 5 एंड 2 को. अगेन 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो स्वैप हो जाएंगे दोनों की वैल्यूज़, इंटरचेंज हो जाएगा. अब हम लास्ट में अब हम किसे कंपेयर करेंगे, 5 एंड 8 को. 5 एंड 8 को हमने कंपेयर किया. अब 5 इज़ स्मॉलर देन 8, नो चेंज, स्वैपिंग नहीं हुई हमारे पास. तो एक पास ख़त्म होते होते हमारा एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया, मीन्स जो लास्ट एलिमेंट था 8 हमारा सॉर्ट हो गया, इट रीच टू द फिफ्थ लास्ट पोजीशन. नेक्स्ट अब हम सेकंड पास में जाएंगे. सेकंड पास से हमारे पास फर्स्ट का आउटपुट आया था 1, 4, 2, 5, 8, इट मूव्स टू द सेकंड पास. अगेन हम बिगनिंग से स्वैपिंग स्टार्ट करेंगे. वी नाउ वी अगेन कंपेयर द फर्स्ट टू एलिमेंट्स. अब हमने 1 और 4 को कंपेयर किया, 1 इज़ स्मॉलर देन 4, नो चेंज, नो स्वैप, वी मूव टू द नेक्स्ट. अब हमने 4 और 2 को कंपेयर किया, नाउ 4 इज़ ग्रेटर देन 2, स्वैप हो गई दोनों एलिमेंट्स. अब हमारे पास क्या आ गया, 2 और 4 आ गया. अब हमने 4 और 5 को कंपेयर करना है, ना 4 इज़ ग्रेटर देन 5, नो, 4 इज़ स्मॉलर देन 5, नो स्वैप, कोई इंटरचेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ रहा. फिर हमने 5 और 8 को कंपेयर किया, नो स्वैपिंग एज 5 इज़ स्मॉलर देन 8. तो सेकेंड पास के ख़त्म होने पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हमारे सॉर्ट हो गए, मीन्स लास्ट के 3 एलिमेंट्स हमारे सॉर्ट हो गए. नाउ अब हमारे पास फर्स्ट आउटपुट क्या आया, 1, 2, 4, 5, 8, ये हमारे सेकंड पास का आउटपुट आ गया. नाउ वी मूव टू द थर्ड पास. थर्ड पास में हमने 1 और 2 को कंपेयर किया, 1 इज़ स्मॉलर देन 2, सो एज इट इज़ रहा, नो स्वैपिंग. देन वी मूव टू द सेकंड वन. नाउ अब हम 2 और 4 को कंपेयर करेंगे, 2 इज़ स्मॉलर देन 4,
अगेन नो स्वैपिंग. फिर उसके बाद हमने 4 और 5 को कंपेयर किया, 4 is smaller than 5, नो स्वैपिंग. देन हमने उसके बाद 5 और 8 को कंपेयर किया, अगेन देयर इज़ नो स्वैपिंग. तो लास्ट में हमारे पास सॉर्टेड एयर लिस्ट आ गई, 1, 2, 4, 5, 8. सो इन दिस वे वी विल सॉर्ट द लिस्ट बाय यूजिंग अ बबल सॉर्ट. तो समझ में आप क्या करते हैं बबल सॉर्ट में, हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, उसके बाद उन्हें सॉर्ट करते हैं एंड देन हम उन्हें स्वैप करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा बबल सॉर्ट का टेक्निक है. अब प्रोग्राम बनाना होगा, तो प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हमने यहाँ पे एक लिस्ट ली है, L equals to 42, 29, 74, 11, 65 and 58. अब हर एलिमेंट पे हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा. वी हैव, तभी तो हम जब हम कंपेयर करेंगे 42 को 29 पे, तो वी आर ट्रेवर्सिंग और एक्सेसिंग ईच एलिमेंट. सो वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट बाय यूजिंग अ लेंथ फंक्शन. तो लेंथ फंक्शन हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट. अब हमने फाइंड किया बाय यूजिंग अ लेंथ फंक्शन लेंथ ऑफ द लिस्ट, और हमने उसे स्टोर कर दिया एन नाम के वेरिएबल. देन वी हैव प्रिंटेड द ओरिजिनल लिस्ट. उसके बाद हमने लूप चलाया है फॉर आई इन रेंज एन माइनस वन. अब सेकेंड नेक्स्ट था हमारा फॉर आई इन रेंज एन माइनस वन, हमने लूप चलाया. ये हमारा किसके लिए हो गया, दिस इज फॉर ट्रेवर्सिंग. उसके बाद अब हम पासेस हैं, हमारे एक पास में एक एलिमेंट सॉर्ट हो रहा है, तो हमने पासेस के लिए अगेन एक लूप चलाया फॉर जे इन रेंज, एंड दिस विल भी कहाँ तक चलेगा, वो एन माइनस आई माइनस वन. वाई एन, हमने यहाँ पे एन माइनस आई लिया, वाई क्योंकि एक एलिमेंट जो हमारा एक पास ख़त्म होने पे हमारा एक एलिमेंट सॉर्ट हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो लूप चलाया है, जो हमारे पासेस के लिए लूप चला है, वो हमने एन माइनस आई माइनस वन तक चला है. उसके बाद हमने कंपेयर किया, इफ एल ऑफ जे इज ग्रेटर देन एल ऑफ जे प्लस वन, तो वैल्यूज उनकी इंटरचेंज हो जाए. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एल ऑफ जे में क्या आ जाए, एल ऑफ जे प्लस वन, एंड एल ऑफ जे प्लस वन में आ जाए एल ऑफ जे, एंड लास्ट में हमने अपनी लिस्ट को प्रिंट करा दिया. अब हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम पाइथन आइडियली पे प्रोग्राम बनाएंगे, या हम पाइचैम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब हमने प्रोग्राम बनाना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली है, लिस्ट ले ली हमने, इसके एलिमेंट्स ले लिए. सपोज इसमें हमने एलिमेंट्स लिए हैं 42, 29, 74, 11, 65 and 58. Suppose these are the elements of the list which we have to sort. तो उसके बाद हमने इस लिस्ट का लेंथ फाइंड कर लिया by using a length function. लेंथ फाइंड किया है, उसके बाद हमने लूप चलाया. अब हमने यहाँ पे प्रिंट कर ली हमारी ओरिजिनल लिस्ट, सो दैट वी कैन, हमें जब हमारा आउटपुट आए तो हमें ये पता हो कि हमारी ओरिजिनल लिस्ट क्या थी और सॉर्ट होने के बाद हमारे पास क्या लिस्ट आई. और टू मेक अ प्रोग्राम मोर रीडेबल हमने यहाँ पे ये प्रिंट करा लिया हमारी ओरिजिनल लिस्ट. अब हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे फॉर आई इन रेंज. रेंज था, अब हमने लूप चलाया. फर्स्ट हमारा जो लूप था वो हमारा चला एन माइनस वन तक, एंड ऑफ द लाइन यहाँ पे हमने ले लिया कोलन. नेक्स्ट लूप जो है वो हमारा चलेगा पासिस के लिए फॉर जे, जे इन रेंज, पास के लिए हमने लूप चलाया एन माइनस आई माइनस वन, ये हमारा लूप चल गया पास के लिए. अब हमने प्रोसेसिंग करने, जैसे हमारा जो बबल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट क्या करता है, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है. तो हमने यहाँ पे एडजेसेंट एलिमेंट्स को हमने कंपेयर करा दिया कि इफ एल ऑफ जे इज ग्रेटर देन एल ऑफ जे प्लस वन, हमने यहाँ पे कंपेयर कराया है. अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे इनकी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाए, मींस एल ऑफ जे में आ जाए हमारा कॉमा एल ऑफ
j plus 1 equals to L of j plus 1 and और L of j plus में आ जाए हमारा L of j. और उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी लिस्ट को प्रिंट करा दिया. प्रिंट लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग, लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग हमने यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करा दिया. अब हमने इसको F5 से रन कराया है तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, ओरिजिनल लिस्ट आ गई हमारी 42, 29, 74, 11, 65, 58, ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी. एंड लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग क्या आ गई हमारे पास 11, 29, 42, 58, 65, 74. So in this way, we can sort our list in ascending order. So students, this is the way how we will sort our list by either list or a tuple or any sequence by using a bubble sort technique. And the way we will implement bubble sort technique by using a Python language. तो हम Python language में हम उसका program कैसे बनाएंगे, कैसे हमारा output आएगा, and this is a program for that. And bubble sort टेक्निक हम कैसे यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बबल सॉर्ट टेक्निक एंड द प्रोग्राम वी मेक फॉर इम्प्लीमेंटिंग द बबल सॉर्ट टेक्निक इन पाइथन. सो थैंक यू.